हेलो बच्चों, आज की हम क्लास में शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इसको पॉलीनोमियल में पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा सा रिविजन कराऊंगा आपको, किस तरीके से पता लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन आते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनानी है। इसी चैप्टर में मेरे साथ अंत तक बने रहे। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कौन सा। पहले एक क्वेश्चन पे आने से पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पॉलीनोमियल में पढ़ा था कि जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, है ना, ये सारे आपके पॉलीनोमियल्स में आते हैं। बट अगर मान लो हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये हमारा जो वैल्यू है तो कांस्टेंट रही। बट अगर मान लो उसके साथ लगा दिया 2x, या मैंने लिख दिया उसको x प्लस वन, यानी जिसकी डिग्री कितनी है वन, जिसकी डिग्री कितनी है वन, हमने उसको बोला लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलीनोमियल बोल दिया हमने इसको, लीनियर पॉलीनोमियल। वहीं पर अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में टू, या मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, है ना, तो ये जो मैक्सिमम पावर टू होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर टू हो और एक ही वेरिएबल हो, ये याद रखना, वेरिएबल क्या हो, एक वेरिएबल हो और मैक्सिमम पावर टू हो, उसको हमने बोला क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो हम उसी इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, हम उसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे पहले कि मैं एग्जांपल आपके पास वन पे आऊं, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल टू कराना चाहता हूं, इससे हम ये पता लगा पाएं कि इन चार क्वेश्चंस में से कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। और उसके लिए क्या देखना है, हमें उसके लिए देखना है कि मैक्सिमम पावर जो है वो टू है या नहीं है, यानी डिग्री अगर टू है तो हमारा इक्वेशन है, ठीक है। यानी अब आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते थे ना अब तक, अब उसको पॉलीनोमियल बोलना भूल जाओ, क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। तो अब से मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वजह क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे बोला है कि हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें बताओ कि कौन सी हमारी इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं। तो जब तक बच्चों याद रखना, जब तक कि आप इसको सॉल्व ना कर लो, आगे फर्दर सॉल्व करने के बाद जब तक इसको सिंप्लीफाई ना कर लो, तब तक आप मत बताना कि ये है भी या नहीं। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर और माइनस का फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। दोनों को इधर लेके आ जाओ, क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पर। बट ये देखो, ये है माइनस के फोर एक्स और ये है प्लस के टू एक्स, ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के सिक्स एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये और ये फाइव है और वो माइनस के थ्री है, तो वो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, फाइव और थ्री कितना हो जाएगा, एट इक्वल टू जीरो। आप देख लो ये इक्वेशन बनी सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब है मैक्सिमम जो डिग्री है या मैक्सिमम पावर जो है वो टू है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलो पहला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, नेक्स्ट करते हैं सेकंड। तो सेकंड में देखो हमारे पास क्या, एक्स और एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये आपको आइडेंटिटी नज़र आ रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यहाँ से ये खत्म हो गया और इसको जब इधर लेके आएंगे तो एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो ये बना, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर वन है, ठीक है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आपको नजर आ रहा है कि मल्टीप्लाई होने के बाद में एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब डायरेक्ट लिख दो, ये नहीं, आप चेक करो, सॉल्व करो, उसके बाद में आप आंसर लिखो कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगली इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड, यानी एक्स टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहां मल्टीप्लाईंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसी की तरह कट जाएगा, नहीं, चेक तो करो क्या होगा, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन।
अब यहाँ देखो 2x² है, यहाँ पे क्या है 1 है, इसको उधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस x² प्लस में 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा ये x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, बिना कैलकुलेशन बिना सॉल्व करे बिना सिंप्लीफाई करे आप मत कहना कि इक्वेशन है या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए लास्ट की, ये हमारे पास है एक्स प्लस 2³ इज इक्वल टू x³ माइनस 4, करते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3x 2 का स्क्वायर प्लस 3x² 2 इक्वल टू में क्या होगा x³ माइनस 4, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा x³ प्लस में 8 प्लस में ये जाएगा 4 12x प्लस में ये कितना हो जाएगा 6x² इक्वल टू, मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना लेता हूँ, x³ माइनस 4, आप देखो कि क्यूब से क्यूब चला गया, ठीक है, क्या हो गया x² ये हो जाएगा 12x और ये इधर आके तो प्लस में 12 इक्वल टू 0, तो क्यूब तो खत्म हो गया, आपको लग रहा था कि क्यूब है और आप सोच रहे हो कि क्यूब है तो क्यूबिक तो होगी, क्वाड्रिक तो क्वाड्रिक इक्वेशन होगी नहीं, पर सॉल्व तो करो, सॉल्व करने के बाद क्या है ये आया, तो ये भी आपकी क्या है, ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हमारा था फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, इसमें अच्छी बात ये है कि जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ी इक्वेशंस यानी वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी पढ़ी वो सारी वर्ड प्रॉब्लम आप इस चैप्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ पर आपने एज्यूम किए दो चीज़ें, एक को एक्स लेट किया तो दूसरे को वाई लेट किया, यहाँ पर आपको ये नहीं करना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक को x लेना है तो दूसरे को भी x की फॉर्म में ही लेना है, वो किस तरीके से लेना है वो आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल 1 में वर्ड प्रॉब्लम है जैसा कि मैंने आपको बोला, और क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन जो है इसका पहला पार्ट उसमें क्या है कि जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी दोनों के पास कितने हैं 45 मार्बल्स है, ये हमें बताया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेट मैं कर लेता हूँ, क्या एज्यूम कर लूँ, हम ये लेट करते हैं, लेट हम ये लेट कर लेते हैं, द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स, ठीक है। अब अगर मान लो जॉन के पास, क्या बोला मैंने बोला कि जॉन एंड जिवंती दोनों की बात कर रहे हैं, एक है जॉन दूसरी जिवंती, अजीब नाम है पर कोई बात नहीं, जिवंती, दोनों के पास मिला के कितने हैं, दोनों के पास मिला के हैं 45 मार, ठीक है। जैसे कि एक ऐसा मान लो कि मैं ये कह दूं कि 45 है उसमें से जॉन के पास 10 है, तो इसके पास कितने रह गए, इसके पास रह गए 45 माइनस 10, है ना, ये रह गए। तो यहां पर भी आपने ये करना कि अगर मैंने इसको x मान लिया तो दूसरे के पास कितने रह जाएंगे 45 माइनस x, ठीक है, तो उसके पास क्या रह गए, ये x है, देन जिवंती हैड 45 माइनस एक्स, बात समझ में आई भाई, अगर इसके पास जॉन के पास कितने हैं x है तो जिवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, आप जैसे मर्जी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद ये कहा बोथ ऑफ देम लॉस्ट फाइव मार्बल्स ऑफ ईच, दोनों ने अपने अपने, दो केस मैं बोल रहा हूँ, एक केस आपका ये हो जाएगा, केस वन ले लेते हैं कि दोनों ने फाइव लॉस कर दिए, ठीक है, लॉस फाइव लॉस कर दिए, तो इसका मतलब है कि जॉन के पास, जॉन और यहां पे जिवंती, तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे एक्स माइनस फाइव और जिवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x और माइनस फाइव, भाई देखो ये तो उसके पास थे और उसका भी माइनस कर दिया, क्या x 5 और माइनस कर दिए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आगे क्या बोला, आगे बोला है एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज, अब जो इनके पास है उनका प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आया 124, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x माइनस फाइव और ये देखो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ठीक है बच्चों।
अब जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये हमारा ये होता है, मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार और, x माइनस फाइव 45 माइनस एक्स, यानी ये हमारा बच्चा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, मल्टीप्लाई करो इसको इससे करोगे तो 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दोनों से हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 200 और प्लस का 5x इज इक्वल टू 124, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये मिलके हो जाएंगे प्लस में 45x और माइनस का 200 इज इक्वल टू 124। सारी चीज़ों को उधर ले जाओ, या आप ऐसा करो कि सारी चीज़ों को उधर लेके आ जाओ, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये 124 है प्लस में 45x माइनस का 200 और माइनस का 124 इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर पर नेगेटिव नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन बन गई और यही आपको काम करना था। आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ही आ जाएगा हम उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके उसके आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल तो हमें यहाँ पे नहीं निकालना, बट अगर हम x की वैल्यू कुछ निकाल लें तो वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतने मार्बल जॉन के पास हैं और 45 माइनस x कर देंगे तो इतने मार्बल्स जीवंती के पास हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बना दी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक डे में कुछ ना कुछ, देखो मैं साथ ही साथ कराता जा रहा हूँ, क्वेश्चन सामने रखो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। भाई पर्टिकुलर डे में, भाई वन डे की बात करते हैं तो उसमें कितने टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, मैं मानता हूँ कि एक्स जो है नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस होते हैं, एक्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इतने प्रोड्यूस एक दिन में होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट देखो कॉस्ट जो है फॉर वन टॉय जो बोला उसको, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ, ठीक है। टॉय वॉज फाउंड टू बी 50 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये हमारी आ गई प्रोडक्ट यानी कॉस्ट, एक की कॉस्ट आ गई। पहले क्या हमने लेट किया, हमने ये लेट किया कि एक डेज में प्रोडक्ट कितना कितने उसकी कितने दिन बनते हैं, एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, एक दिन में कितने बनते हैं भाई x, और एक की कॉस्ट कितनी है वो है 55 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई वन की। आगे क्या बोला है, आगे बोला है वन पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, तो टोटल कॉस्ट देखो कितनी है, टोटल कॉस्ट वो कितनी होगी 750। देखो क्वेश्चन को समझो, अब आगे करते हैं, हमसे पूछा है वी फाइंड द आउट ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन द डे, नंबर ऑफ टॉयज पूछे हैं उसकी बाद की बात, ठीक है। तो एक दिन में अगर एक्स बनते हैं और एक की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए भाई, टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट फॉर वन टॉय इनटू में नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है भाई, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन में टोटल कॉस्ट कितनी है वो कितनी होगी, कॉस्ट फॉर वन टॉय एंड इनटू में कॉस्ट नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट कितनी है 750 इज इक्वल टू कॉस्ट फॉर वन कितनी है 55 माइनस एक्स और इसकी कितनी वैल्यू एक्स, करो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 750 इज इक्वल टू ये जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करें तो 55x माइनस में एक्स स्क्वायर दोनों के इधर लेके आ जाओ, जब आप दोनों के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस में 750 इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन बन गई। आगे का काम आपको पता है, हमें इक्वेशन बनानी है और इनको सॉल्व करना है, इसकी आगे क्या करनी पड़ेगी फर्दर आपको, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और आप सॉल्व करके जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वही आपके नंबर ऑफ टॉयज होंगे एक दिन में,
और 55 माइनस एक्स कर दोगे तो एक की कॉस्ट आ जाएगी, उस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। देखो लिखने का क्या है भाई, ये चीज़ तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है इस चीज़ में कि हमें इक्वेशन बनानी कैसी है। तो उस पर हमारा मेन फोकस इस चीज़ पर रहेगा, कंसेप्ट पे, ना कि लिखने पे। भाई लिखने के लिए तो आपके पास एनसीईआरटी है, आप वहाँ से नकल मार लोगे, आप अपनी तरफ से जो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं आप उस तरीके से लिख सकते हो। बट मेन ये है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए, हमें क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन इतना मुश्किल सा लगता है बच्चों को, लगता है पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, पर क्या होता है कई बार क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना होता है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा और ब्रेक तोड़ तोड़ के पढ़ा तो भी दिक्कत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी लाइन जब तक ना पढ़े तब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, जब तक हम एक सांस में पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो, एक बार में अगर आपने गलती से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार उसको पूरा पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में आ गया तो आप अपने आप भी ऐसी इक्वेशंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा। तो अगर